हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे चैप्टर 3 इकोनॉमिक्स, मनी एंड क्रेडिट। तो मनी के बारे में अब तक हम कर चुके हैं कि मनी एज ए मनी को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। पहले बार्टर सिस्टम होता था जिससे थिंग्स का ही लेन देन होता था। मनी जो है करेंसी एक तरह से उस टाइम पे यूज़ नहीं होती थी। फिर मैंने आपको बताया था कि पिछली वीडियोज़ में कि मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी क्या हैं। फ़िलहाल करेंसी है जो नोट्स हैं या कॉइन्स हैं, वो हमारी मॉडर्न फॉर्म ऑफ जो है वह मनी है। लेकिन पहले टाइम में कॉइन्स होते थे या जो फूड ग्रेन्स होते थे उनसे करते थे, कैटल्स वगैरह से, बाटर सिस्टम से यूज़ करके ही मनी को जो है यूज़ किया जाता था। ठीक है, उसके बाद हमने किया था कि बैंक में डिपॉजिट कैसे होते हैं या चेक पेमेंट कैसे की जाती है। अब मनी के बारे में इतना सब करने के बाद हमारा जो अगला काम आता है वो आता है कि क्रेडिट। अब नॉर्मल लैंग्वेज में आपने क्रेडिट को सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही तक ही सीमित है शायद, क्रेडिट की आपकी जो सोच है। लेकिन क्रेडिट अगर आपने क्रेडिट को ज़्यादा नहीं सुना तो आपने लोन वर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा सुना होगा। तो साधारण सी भाषा में अगर हम कहें सिंपल लैंग्वेज में कि लोन को ही क्रेडिट कहा जाता है। और लोन का आप सबको मालूम है कि लोन एक ऐसी पेमेंट होती है जिसमें कि एग्रीमेंट साइन किया जाता है कि जो लेंडर है जो पैसा सप्लाई कर रहा है और एक बोरोवर है जो पैसा ले रहा है जिसे पैसे की ज़रूरत है। लेंडर जिसके पास पैसा ज़्यादा गया हुआ है और बोरोवर जिसकी जिसको पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, तो लोन एक तरह से अब जो लेंडर हैं वो बैंक भी हो सकते हैं और अदर जो पर्सन होते हैं जो अमीर लोग कह सकते हो आप, जैसे साहूकार एक तरह से बोलते हैं ना, अमीर जिनके पास पैसा रहता है वो भी लेंडर हो सकते हैं। बट यहाँ जो हम लोन के बारे में पढ़ रहे हैं फिलहाल इस कंडीशन में, इसमें हम लोन देने वाला कौन है लेंडर एक तरह से बैंक के बारे में पढ़ रहे हैं कि बैंक के पास पैसा है और हमने उससे उधारा मतलब लेना है, हमने उनसे बोरो करना है, तो उसे बोलते हैं लोन। ठीक है, अब वो लोन क्या होता है कि आपको कुछ टाइम पीरियड दिया जाता है कि उस टाइम पीरियड के बाद आप उनका यानी बैंक का पैसा वापस करेंगे और पैसे के साथ साथ कुछ परसेंट इंटरेस्ट भी आप बैंक को देंगे। यानी इफ़ इमरजेंसी तो आपको पैसा तो मिल जाएगा इमरजेंसी में, लेकिन उस इमरजेंसी में पैसा लेने के बाद आपको वापस जब वो पैसा देंगे आप कुछ टाइम पीरियड के बाद, जितना भी टाइम आपका एग्रीमेंट में डिसाइड हुआ है, और कितने परसेंट आप उनको इंटरेस्ट देंगे। ठीक है, मान लीजिए मैंने 1,00,000 रुपये लिया और बैंक ने मुझे ये एग्रीमेंट दिया कि आप 12% इंटरेस्ट देंगे, तो जब मैं 1 साल के बाद या जो भी टाइम पीरियड डिसाइड हुआ है उसके बाद जब मैं उन्हें पैसा दूंगी तो 1,12,000 यानी 1,12,000 रुपीज़ मैं उन्हें दूंगी, क्योंकि 12,000 क्या होगा उनका एक्स्ट्रा इंटरेस्ट होगा। ठीक है, तो लोन को यानी क्रेडिट को सिंपल लैंग्वेज में लोन कहा जाता है। और जो लेंडर होते हैं जो सप्लाई करते हैं पैसा, और बोरोवर वो होते हैं जिन्हें पैसे की ज़रूरत होती है। बोरोवर उस पैसे को लेंडर को रिटर्न करता है कुछ प्रोमिसज के साथ कि मैं आपको कुछ परसेंट जितना भी उन्होंने मांगा उतने परसेंट इंटरेस्ट के साथ इस पैसे को वापस करेंगे। ठीक है, अब आगे आता है कि पैसा आया कहाँ से। तो सिंपल लैंग्वेज बताती हूँ, जो भी डिपॉजिटर यानी कि पैसा जिसके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है, यहाँ से आप इसे समझ सकते हैं। आपकी बुक में पेज नंबर 42 पे ये आपको दिख जाएगा एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है, पेज नंबर 42 पे आपका दे रखा है कि ये डिपॉजिटर है। मान लीजिए मेरे पास 1,00,000 रुपये थे और मेरे पास 1,00,000 रुपये एक्स्ट्रा थे अपना खर्चा निकालने के बाद, तो पैसे ज़्यादा थे, घर में रखने सेफ नहीं थे, और उनका कुछ अगर मैं 10 दिन के बाद भी देखूंगी तो वो 1,00,000 रुपये मिलेंगे, 2 साल के बाद देखूंगी तब भी घर में वो 1,00,000 रुपये मिलेंगे, तो इससे अच्छा मैंने सोचा कि मैं बैंक में सबमिट करवाती हूँ। बैंक वालों ने कहा ठीक है, हम आपको इन 1,00,000 रुपये का एक महीने में 6% इंटरेस्ट देंगे, यानी कि एक महीने में मेरा बना 1,06,000 है ना, तो ये 6,000 जो थे वो मेरी जो 1,00,000 रुपीज़ थी उससे एक्स्ट्रा हो गए थे। ठीक है, अब इधर जो है ये लोग हैं बोरोवर्स हैं, बोरोवर्स को कोई बिजनेस स्टार्ट करना था और उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, तो उन्होंने बैंक के पास गए। बैंक ने कहा ठीक है हम आपको पैसा देंगे लेकिन हम आपसे 12% इंटरेस्ट लेंगे कि जब आप एक महीने के बाद हमें दोगे तो 12% इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। अब इसने एक महीने के बाद वापस दिए 1,12,000। ठीक है, अब इसने जो इन्होंने लिया था 1,06,000 इन्हें वापस मिलना था, और इन्होंने लिया इनको जो वापस देना था वो देना था 1,06,000
12, ठीक है। तो अब 1 महीने बाद ये पैसा लेने के लिए गए, तो जब ये पैसा लेने के लिए गए तो इन्हें मिले कितने, 1,06,000। और इन्होंने पैसा वापस दिया बैंक को, भाई अब इनका काम चल गया था, बिजनेस चल गया था, तो इन्होंने वापस दिया, इन्होंने दिया 1,12,000। तो जो 12 और 6 के बीच का डिफरेंस है, यानी कि बैंक के पास अपनी बचत कितनी रही इस 1,00,000 में, 6,000 की, तो ये बैंक की क्या हुई, एक तरह से इनकम हुई, ठीक है। तो यही जो डिपॉजिटर पैसा सबमिट करवाते हैं, यही पैसा बोरोवर्स को दिया जाता है, लेकिन देते हुए ये देखा जाता है कि जितना डिपॉजिटर को इंटरेस्ट दे रहे हैं उससे ज़्यादा इंटरेस्ट लेना है किससे, बोरोवर से। ये ध्यान रखा जाता है कि डिपॉजिटर का जो इंटरेस्ट देना है वो बोरोवर के इंटरेस्ट से हमेशा कम होना चाहिए, तभी बैंक को पैसा मिलेगा, ठीक है। अब एक बात और आती है कि क्या जितना पैसा डिपॉजिटर ने सबमिट करवाया, जितना पैसा इन्होंने सबमिट करवाया, क्या वो सारा का सारा पैसा बैंक वालों ने बोरोवर्स को दे दिया, ऐसा नहीं होता। बैंक के पास अपना लगभग जितना पैसा भी सबमिट हुआ है उसका 15% पैसा, या पैसे की जैसी कोई कीमती चीज़ जैसे गोल्ड वगैरह, वो सब बैंक के पास होना चाहिए। कितना परसेंट, 15%। और ये जिम्मेदारी भारत के रिज़र्व बैंक की भी होती है कि वो उनका ध्यान रखे कि इन लोगों के पास या बैंक में इतना पैसा है या नहीं है। ये गवर्नमेंट की, आप ये मान लो कि भारत में जितना पैसा भी जमा होता है उसकी जिम्मेदारी रखी जाती है, एक तरह से उसकी पूरी इंक्वायरी रखी जाती है कि इस बैंक के पास कितना पैसा सबमिट हुआ था और इसने कितना पैसा बोरोवर्स को दिया, और क्या इसके पास 15% है जितना पैसा सबमिट हुआ था उसका, ठीक है। ये पैसा रखना बैंकों को बहुत ज़रूरी होता है, और जो रिज़र्व बैंक वगैरह हैं वो इन सब छोटे छोटे बैंकों पे पूरी तरह से अपनी नज़र भी बना कर रखते हैं कि कहीं कुछ गलत ना हो, ठीक है। अब आगे हम चलते हैं, हमें पता चल गया कि सोर्स ऑफ इनकम कहाँ से आता है। मैं आपको बता चुकी हूँ अभी कि जो सोर्स ऑफ इनकम है बैंक्स का वो कैसे होता है, कि जो भी डिफरेंस होता है किस किस के बीच में, बोरोवर से जो पैसा लिया और डिपॉजिटर को जो पैसा दिया, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है उसी को क्या कहते हैं, बैंक की इनकम कहते हैं, ठीक है। बैंक के पास इनकम कहाँ से आती है, वहीं से आती है जो डिपॉजिटर ने पैसा सबमिट करवाया था और बोरोवर ने जो पैसा लिया, उन दोनों के इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है वो एक तरह से बैंक वालों की इनकम होती है, ठीक है। अब आगे जो हम मेन चीज़ करने वाले हैं कि जो बैंक में मतलब देखिए किसी भी चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं और नुकसान भी होते हैं, तो अब जो लोन हम ले रहे हैं उस लोन का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, यानी लोन के फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है, पहले हम इस चीज़ की क्या पढ़ेंगे, एडवांटेज, क्योंकि एडवांटेज जो है वो ज़्यादा हैं और जो डिसएडवांटेज हैं वो करप्शन के कारण हो सकती हैं कि उन्हें बढ़ा दिया गया हो, अदरवाइज ना भी हो, ठीक है। अब एडवांटेज क्या है, पहली एडवांटेज, फार्मर्स कैन ग्रो क्रॉप्स, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा इजीली। अब जो फार्मर्स होते हैं उनकी मेजर प्रॉब्लम यही होती है कि वो लोग जब फार्मिंग स्टार्ट कर रहे होते हैं सबसे पहले ही उन्हें सीड चाहिए होता है, वाटर की सप्लाई के लिए पैसा देना होता है, ट्यूबवेल वगैरह लगवानी है, या फिर इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, या उन्हें फर्टिलाइज़र चाहिए या पेस्टिसाइड्स चाहिए, तो वो सब के लिए अब ये सुविधा दी गई है कि मतलब इजीली किसान योजना, KYC बोला जाता है उसे, KYC किसान योजना के थ्रू जो है उन्हें इजीली पैसा दे दिया जाता है। अच्छा, पैसा दे दिया गया तो वो आसानी से अपनी क्रॉप्स को उगाएगा, और फिर जब उसकी क्रॉप्स अच्छे से उग जाएगी और उसे पैसा मिलेगा तो वो वापस उसको सबमिट करवा सकता है, ठीक है। आगे उन्होंने कहा है, सेकंड जो पॉइंट है, स्टार्ट न्यू बिज़नेस। मान लीजिए कोई नया बिज़नेस शुरू करना है, हमारे पास उतना पैसा नहीं है जितना बिज़नेस में चाहिए था, तो हम जाकर लोन ले सकते हैं और अपने बिज़नेस को अच्छे से चला सकते हैं। जब हमारा बिज़नेस चल जाए तो हमें लोन हम जो है उसे वापस कर देंगे। और तो गवर्नमेंट सुविधा भी देती है कि कोई स्टार्ट बिज़नेस कर रहे हो, नया स्टार्ट कर रहे हो, तो 3 साल तक इलेक्ट्रिसिटी फ्री होगी, या इस टाइप की छोटी छोटी बहुत सारी सुविधाएं अब गवर्नमेंट ने दे रखी है, ठीक है। अच्छा सुनिएगा, अगला पॉइंट है बिल्ड हाउस। नॉर्मली इंसान की जो ज़रूरत होती है वो घर बनाना एक बहुत
लाइफ की एक अच्छी सी अचीवमेंट कहा जाता है कि बहुत अच्छा सा मकान बनाया। आजकल मकान बहुत कॉस्टली बनते हैं, एक तरह से पैसा बहुत लगता है, तो मकान बनाने के लिए नॉर्मली लोग लोन ले लेते हैं। हालांकि वो लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी मकान बनाने के लिए लोन ले लिया जाता है और मकान ईजिली बन जाता है। ठीक है, आगे है लोन फॉर व्हीकल्स। मान लीजिए कोई बड़ा व्हीकल खरीदना है और गरीब आदमी जिसके पास इतना पैसा नहीं है, वो भी लोन पर यानी एक तरह इंस्टॉलमेंट को बांध कर इंस्टॉलमेंट की पर मंथ में आपको इतना दूंगा, इस तरह से जो है वो बड़े व्हीकल ले सकते हैं। तो ये हुई हमारी इसकी क्या लोन की एडवांटेज। अब देखते हैं इसके डिसएडवांटेज क्या है। देखिए डिसएडवांटेज में सबसे पहला ये है और बहुत इम्पोर्टेंट भी है कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। जब भी लोन दिया जाता है खासकर हाउस लोन वगैरह बहुत ज़्यादा हाई रेटेड होते हैं और उनको उतारना जो है लोन उतारना का मतलब कई कई 10-10, 20-20 सालों तक का लोन की जो है वो किस्त बना दी जाती है, इंस्टॉलमेंट बना दी जाती हैं और वो उतारना बहुत मुश्किल होता है। यानी सबसे पहले डिसएडवांटेज है कि हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। और अगर आपने 16-17 लाख रुपए अगर आपने इंटरेस्ट पे लिए लोन पे लिए हैं तो 4-5 लाख तो आप एक्स्ट्रा ही पे करेंगे। जब सबमिट करेंगे तो आप 16-17 सबमिट नहीं कर रहे हैं, आपको 19-20 लाख रुपए कम से कम आसानी से पे करने पड़ेंगे जब आप हाउस लोन वगैरह ले रहे हो। तो यानी कि ये जो 4-5 लाख रुपए एक्स्ट्रा गए ये हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट के गए। ठीक है, दूसरा क्या है, रिक्वायरमेंट फॉर लीगल डॉक्यूमेंट्स। बिल्कुल सही कहा गया है, ये सेकेंड जो बात कही है कि लीगली जो इतने सारे डॉक्यूमेंट्स वो मांगते हैं ना लोन के टाइम पे, आपकी सैलरी का सारा बायोडाटा, आप कहाँ जॉब कर रहे हो, आपकी कितनी इनकम है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। और एक पर्टिकुलर एक आप कह भी सकते हो कि ये एक टर्म चलाई गई है जिसमें कि आप किसी चीज़ को आपने सुना होगा नाम गिरवी रख देना, उसकी अगर आप इंग्लिश गिरवी रखना मतलब आप उसे कह सकते हो कि कलेटरल बोल सकते हो आप उसे। चलिए मेबी बीच में ये पॉज हो गई थी वीडियो, पता नहीं चल पाया, लेकिन फिर भी मैं डिसएडवांटेज को जो है वो कंटिन्यू करती हूँ। सबसे पहले मैंने बताया था हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट कि जब भी कोई लोन लिया जाता है उसमें खासकर अगर मैं कहूँ कि हाउस लोन की बात करूँ तो हाउस लोन में जो लोन जा रहा है वो सबसे महंगा कहा जाता है। और हाउस लोन में भी हाई रेट इंटरेस्ट होते हैं और अदर्स में भी होते हैं हाई रेट इंटरेस्ट। यानी कि अगर आपने 16 लाख रुपए लिए तो कहीं ना कहीं जब आप पूरा लोन की किस्तें उतारेंगे, इंस्टॉलमेंट पूरी देंगे, तो आपके 20 लाख के आसपास रुपए जो है वो बैंक में सबमिट होंगे, यानी कि 4 लाख जो थे वो आपके इंटरेस्ट के गए। ठीक है, आगे हम कर रहे हैं सेकेंड जो इसका पॉइंट है वो है रिक्वायरमेंट ऑफ लीगल डॉक्यूमेंट्स। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जब भी कोई लोन का प्रोसेस चलता है बहुत ईजिली वो फाइल आगे नहीं जाती, बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स बैंक वाले अपने पास सबमिट करवाते हैं, जैसे सैलरी का, आधार कार्ड, पैन कार्ड, सैलरी इनकम कितनी है, इनकम टैक्स पे करते हो या नहीं करते हो, और अगर आपने मकान बनाया है तो उसके डॉक्यूमेंट्स यानी मकान की रजिस्ट्री वगैरह को ही, अगर आपने मकान के ऊपर लोन लिया है तो मकान की रजिस्ट्री उन्हीं के पास सबमिट हो जाती है। उसे आप सिंपल लैंग्वेज में जो हिंदी में बोल देंगे हम की गिरवी रखना, लेकिन आप उसे सिंपल लैंग्वेज में कोलेटरल बोल सकते हो। कोलेटरल एक ऐसी टर्म है आपके में, शायद आप जून छोटी क्लासेस में होंगे तब ये टर्म आई भी होगी, कोलेटरल। जी, कोलेटरल एक ऐसी टर्म होती है जिसे आप कह सकते हो कि सिक्योरिटी के बेस पे कोई चीज़ रख देना। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने मकान बनाया बैंक से लोन लेके, तो जब तक कि मैं उस बैंक का लोन कंप्लीट नहीं कर देती, उतार नहीं देती, तब तक के लिए मेरे हाउस के जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, रजिस्ट्री वगैरह, वो सब बैंक के पास रखे रहेंगे, उसी को बोलते हैं कोलेटरल। ठीक है, और कोलेटरल में आप किसी भी चीज़ का हो सकता है, हाउसेस का होता है, व्हीकल्स का होता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें आप गारंटी के रूप में एक तरह से बैंक के पास सबमिट करवानी पड़ती है, तब बैंक आपको क्या देता है, आपको लोन दिया जाता है। तो ये बड़ी मुश्किल टर्म है, क्योंकि आप ये मान लो कि गिरवी रखने के लिए या कोलेटरल के लिए गरीब आदमी के पास तो कुछ नहीं होता, अगर गरीब आदमी के पास होता तो वो लोन ही क्यों लेने जाता। ठीक है, आगे अगर हम अगला पॉइंट कर रहे हैं, उन्होंने कहा है वही जो सेम बात अभी ऊपर आई थी कि सिक्योरिटी एसेट रिक्वायरमेंट, सिक्योरिटी के लिए किसी न किसी
किसी चीज़ को रखा जाता है। ठीक है, अब आगे आ रहा है कि पीपल पुअर पीपल कांट टेक इट ईजिली। बिल्कुल सही बात है ये कि पुअर पीपल जो है वो कभी भी इस तरह के स्टेप्स नहीं ले सकते कि वो लोन लेंगे, क्योंकि उनके पास ना तो आप ये कह रहे हो सिक्योरिटी पर्पज़ से कुछ रखने के लिए होगा, ना उनके पास कोलेटरल होंगे जिसे वो रख दें, बैंक को दे दें, या गोल्ड ऐसा इतना सारा पड़ा है कि बैंक में रख दे और बैंक वाले उन्हें पैसा दे दे। तो ये कुछ डिसएडवांटेज हैं, यानी कि ये जो लोन का पैसा है ये भी सिर्फ अमीरों के लिए है, गरीबों को तो आप कह सकते हो कि किसान योजना के अंतर्गत ही पैसा मिल सकता है, वो भी बहुत सारे लीगली डॉक्यूमेंट्स करवाए जाते हैं, इतना करप्शन है कि आधे से ज़्यादा पैसे तो वो पहले ही खा के ही देते हैं। यानी अगर 45,000 लिए तो करप्शन में जो बीच बीच में फाइलें अटक जाती है उसको देते हुए ही 40,000 के आसपास ही जो फार्मर है उसके पास आ पाते हैं। ठीक है, आगे अगर हम करेंगे इसमें नेक्स्ट जो अब हम करने वाले हैं इसमें आपको एग्जांपल है आपका टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस। अब टू डिफरेंट क्रेडिट सिचुएशंस क्या होती हैं, क्रेडिट यानी लोन लेने की दो अलग अलग कंडीशंस होती हैं। आपकी बुक का ही पेज नंबर 43 में दो सिचुएशंस दे रखी हैं, मैं उन्हीं को कंटिन्यू कर रही हूँ ताकि आपको क्लियर होए कि अलग अलग तरह की सिचुएशन होती है। जैसे मैंने बताया था आपको कि जो लेंडर होते हैं यानी कि जो लोन देने वाले होते हैं वो ऐसा नहीं है कि बैंक ही होते हैं, बल्कि गाँव वगैरह के एरिया में तो जो बड़े बड़े आप ये कह सकते हो कि जो लैंड लॉर्ड होते हैं बड़े वाले उनको भी लोग एज ए लेंडर ही यूज़ करते हैं, मतलब उनसे भी काम लेते हैं, वो पैसा लेते हैं, अमीर जो साहूकार बोलते थे पुराने टाइम में, या लाला जी बोलते हैं जिनसे वो नॉर्मल पैसा लेते हैं लोग, लेकिन उसके बदले में उन्हें कुछ देना पड़ता है। अब देखिएगा पहला जो एग्ज़ाम्पल है इसमें ये मैं आपको बता रही हूँ। एक पहला है कि फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, ठीक है, फेस्टिवल सीज़न चल रहा है, लेकिन जो सलीम है ना उसको ऑर्डर मिला है सलीम को कि उसने उसको ऑर्डर मिला है कि उसने 3,000 पेयर्स जो हैं शूज़ जो है ना वो सबमिट करवाने हैं किसी बड़ी फैक्ट्री में देने हैं, मतलब किसी बड़े बिजनेसमैन को देने हैं। अब सलीम के पास इतना सारा पैसा नहीं है कि वो इतने सारा जूता एक साथ से बना सके, क्योंकि उसको सिलाई चिपकाई मज़दूरों को देने के लिए बहुत सारी चीज़ों की है, रॉ मटेरियल भी खरीदना है, जो लेदर वगैरह है वो भी खरीदने हैं। ठीक है, तो उसने क्या किया कि उसने दो जगह से एक तरह से क्रेडिट लिया। पहला तो उसने जिसको 3,000 पेयर जो शूज़ देने हैं उस बिजनेसमैन को कहा कि आप जो है ना आप मुझे 1,000 शूज़ की पेमेंट जो है वो पहले कर दो, क्योंकि मुझे भी अपने खर्च निकालने, तो थोड़ा सा उसका पेमेंट वहाँ से आ गया। ठीक है, दूसरा उसने क्या किया कि उसने कहा जो रॉ मटेरियल जहाँ से लेता है, यानी कि जहाँ से भी वो लेदर वगैरह लेता है या गम वगैरह लेता है जो चिपकाने का काम है, या जो सिलाई कर रहा है वो वाले ही आइटम्स ले रहा है, उसने उसको कहा कि भाई अभी तू मुझे सामान दे दे और मैं तुझे जो पैसे दूंगा वो 1 मंथ के बाद रिटर्न करूंगा। ठीक है, तो यहाँ जिसने जूते बनवाने थे उससे ले लिया थोड़ा सा उधार और थोड़ा सा उसको दूसरे वाले को लेट कर दिया कि मैं तुम्हें पेमेंट बाद में दूंगा, सामान पहले दे देना। ठीक है, तो ये उसने अपना तरीका अपनाया, लेकिन उसने उसको किसी बैंक वैंक की ज़रूरत नहीं पड़ी, उसने अपने तरीके से हैंडल कर लिया कि जहाँ 3,000 पेयर जाने थे वहाँ से 1,000 का एक्स्ट्रा पहले ले लिया, एडवांस ले लिया, और जहाँ से माल आना था रॉ मटेरियल उनको पहले ही बोल दिया कि मैं 1 महीने बाद आपको पूरी पेमेंट दूंगा। तो इस तरह से उसका काम इजीली चल गया। अब जो नीचे एग्जांपल दे रखा है तो ध्यान रखना कि जो ऊपर अभी फेस्टिवल वाला था वो एक अच्छा था कि उसने देखो दोनों जगह से एडवांस पैसा लिया, लेकिन उससे उसका बिजनेस जो है वो ग्रो किया और लास्ट में उसे उसने 3,000 जो पेयर थे वो बना कर दे दिए और लास्ट में उसे क्या किया बहुत अच्छा प्रॉफिट मिला। ठीक है, अब यहाँ है बेचारी स्वप्ना। स्वप्ना कौन है? स्वप्ना जो एक किसान है और वो क्या कर रही है कि वो अपनी खेती कर रही है, लेकिन उसने किसी आप ये मान लो कि किसी बड़ा जो उसका मनी लेंडर था उससे उसने उधार लिया कि भाई मैं सीड्स लाऊंगी, फिर पेस्टिसाइड लाऊंगी, वाटर के इलेक्ट्रिसिटी का सब कुछ करने के बाद उसने कहा कि भाई मुझे पैसे दे दो, और ये सारी चीज़ों के लिए पैसे उसने कहाँ से लिए? अपने मनी लेंडर से लिए। मनी लेंडर ने उसे सारे पैसे तो दे दिए, लेकिन अब उसको ये था कि जब उसकी खेती हो जाएगी तो वो अपनी फसल बेच कर मनी लेंडर के पैसे उतार देगी, लेकिन उसमें क्या था कि उसमें उसकी ज़मीन पे कुछ
ऐसी बीमारी आ गई कि उसके पौधों में, कि वो पौधे ख़राब होने लगे। वो फिर पेस्टिसाइड लाई पैसे लेके और उसने वो छिड़काव किया, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो उस साल मतलब कुल मिला के उसकी फसल ख़राब हो गई और वो जो बड़ा मनी लेंडर था उसको पैसे वापस नहीं दे पाई। अब अगली बार क्या हुआ, अगली बार उसने सोचा कि चलो इस बार फिर उधारी लिया उसने, फिर से कुछ पैसे बोरो किए मनी लेंडर से और फिर उसने काम शुरू किया अपना, फिर से अपनी जो क्रॉप्स थी वो उगाई और फिर से सब कुछ हुआ। इस बार क्रॉप्स तो ठीक हुई, उसमें बीमारी वगैरह नहीं आई, लेकिन इतनी नहीं हुई कि वो जो मनी लेंडर था उसकी मनी वापस कर सके। और आखिर में वो क्या हुआ कि बढ़ बढ़ के बहुत सारा पैसा हो गया और स्वप्ना को आखिर में अपनी ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा जो है वो बेचना पड़ा ताकि वो उस मनी लेंडर के पैसे उतार सके। तो यहाँ आपको दो एग्जांपल दिखे, एक एग्जांपल था जिसने अपना इजीली दोनों जगह से थोड़ा थोड़ा पैसा लिया और अपना काम चला लिया, और एक ये है स्वप्ना जिसके पास बेचारे ने काम चलाने की सोची लेकिन फिर भी ऐसी कंडीशंस आई कि उसका काम नहीं चला और उसे अपनी ज़मीन का कुछ टुकड़ा बेचना पड़ा। अब यहाँ जो लोन या ये मान लो कि एक्स्ट्रा पैसे आए थे उससे फ़ायदा हुआ और यहाँ एक तरह से लोन लेने से नुकसान हुआ। तो सबकी कंडीशंस जो हैं वो अलग अलग हो जाती हैं, ठीक है, ये बताने के लिए कि हर जगह पे जो क्रेडिट है वो कामयाब नहीं होता। कई फील्ड ऐसी हैं जहाँ पे क्रेडिट यूज़ करने से या लोन यूज़ करने से बहुत अच्छी कंडीशंस हो जाती हैं, बिज़नेस अच्छा चल जाता है, लेकिन फार्मिंग वगैरह कोई ऐसी भी कंडीशंस होती हैं जिसमें कि क्रेडिट लेने पे हालत और भी ख़राब हो जाती है। और एक तरह से आप ये मान लो कि ऐसी कंडीशंस में तो मतलब एक तरह से एक ट्रैप बन जाता है, वो ट्रैप जिसमें कि स्वप्ना जैसे छोटे छोटे फार्मर्स बेचारे फंसते चले जाते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे टर्म्स ऑफ क्रेडिट, और इसमें भी ज़्यादातर टर्म्स ऑफ क्रेडिट में क्या आएगा आपके एग्जांपल्स के थ्रू ही समझाया जाएगा, क्योंकि आपकी बुक में भी एग्जांपल्स के थ्रू ही आप समझ सकते हैं कि जो लेंडर होते हैं या जो लोन देने वाले होते हैं ना वो सिर्फ बैंक